रुचिका किचन में आप सबका वेलकम है। तो आज की रेसिपी हमारी क्या है, अमित जी से पूछते हैं। अमित जी, आज हम क्या बना रहे हैं? शाही कुल्फी। अरे वाह, ठंडी ठंडी कुछ शाही कुल्फी बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें है 1 लीटर दूध, 4 चम्मच हमने बादाम लिए हैं जिसे हमने क्रश कर लिया है, 4 चम्मच हमने चीनी ली है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 50 ग्राम हमने दूध पाउडर लिया है और 1 चम्मच हम केवड़ा यूज़ करेंगे और 6 चम्मच हम डेरी क्रीम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक के बॉयल ना हो जाए और इसे रिड्यूस कर लेंगे हाफ। दूध बॉयल हो गया है, अब हमने फ्लेम जो है मीडियम कर दी है। अब इसमें हम बादाम डाल देंगे जो हमने क्रश किए थे, चीनी ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इसे पका लिया है, अब हम इसमें दूध पाउडर डालेंगे और इसे हिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। मिल्क पाउडर के बाद हम इसमें 1 चम्मच केवड़ा ऐड करेंगे खुशबू के लिए। दूध ठीक हो चुका है गाइस, अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम डालने के बाद हमने मज़ीद 5 मिनट इसे पका लिया है, अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। फ्लेम ऑफ कर दिए, अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये ठीक हो गई है, अब हम इसको मोल्ड आइसक्रीम मोल्ड में डालते हैं। हमने इसे मोल्ड में डाल दिया है, अब हम इसको ओवरनाइट या फिर 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, इसे फ्रीज कर लेंगे। गाइस, हमने इसे ओवरनाइट रखा है और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अभी हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही यम्मी ठंडी ठंडी हमारी शाही कुल्फी तैयार हो चुकी है और बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आप सबके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर हाजिर होंगे एक नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।